हेलो हेलो, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज के इस ब्लॉग में हम जा रहे हैं मार्कंडेय महादेव, जो कि बनारस में एक गांव है, जो इस गांव का नाम है कैथी नाम है। तो अभी भाई उस समय फिलहाल 4 बज रहे हैं और 5 बजे वहां का पट खुलता है, तो तब तक जाने में क्योंकि समय लगेगा। बनारस से 25 किलोमीटर और मेरे घर से 35 किलोमीटर का समय। तो भाई हम चलते हैं वहाँ पे, मिलते हैं आपको तो वहाँ, कुछ रास्ते का सीन लगा देंगे इस वीडियो में। तो भाई हम चलते हैं आके, हम वीडियो में आप लोग को पूरी जानकारी देंगे कि वहाँ कैसे मंदिर बना, क्या हुआ था वहाँ इस जगह के बारे में, जो कि वो एक तीर्थ स्थल है, वहाँ के बारे में आपको सारी बात बताएंगे। तो ब्लॉग में बने रहें। भाई लोग देखिए, हम लोग आ गए हैं मार्कंडेय महादेव वाले गेट पे। तो ये मार्कंडेय महादेव हम लोग अंदर आ गए। ये जो सामने आप लोग गेट देख रहे हैं, ये अटल बिहारी वाजपेयी गेट है, जो कि ये बना है, एक गेट इधर बना है और एक गेट उधर बना है मदन मोहन, जो कि मदन मोहन मालवीय जी का, जो कि BHU में है, BHU के जो निर्माता है मदन मोहन मालवीय जी, उनका एक गेट है उधर बना है और एक इधर बना है अटल बिहारी वाजपेयी जी का, भारत रत्न से। ये जो गेट बना है ना, ये आप लोग देखेंगे गुलाबी कलर के पत्थर का बना है। तो यही रास्ता है जो हम लोग का जाता है मार्कंडेय महादेव जी। ये हम लोग एक गांव में है, चौबेपुर बनारस के एक गांव में, इस गांव का नाम कैथी है। तो इसी में बनारस में मार्कंडेय महादेव जी हैं। आगे चलिए, हम आप लोग को सारा व्यू बताएंगे, रिव्यू भी देंगे आगे। तो चलते हैं हम लोग आगे। तो भाई लोग हम आ गए मार्कंडेय जी के गेट के पास। तो आप लोग देख सकते हैं ये मार्कंडेय जी का गेट, और यही रास्ता है जहाँ से हम लोग जाके अंदर दर्शन कर सकते हैं। तो पहले हम लोग आइए आपको घाट का व्यू दिखाते हैं, फिर हम लोग इधर चलेंगे। तो घाट वाला रास्ता इधर से है, पहले हम लोग चलते हैं घाट के साइड, फिर आते हैं तो आप लोग को अंदर का व्यू दिखाएंगे और यहाँ के बारे में बताते हैं आप लोग को। तो भाई लोग हम लोग आ गए मार्कंडेय महादेव, आपको व्यू दिखाए पीछे मार्कंडेय महादेव गेट का। तभी हम लोग इस टाइम फिलहाल घाट में, बट इस टाइम देखिए एकदम भीड़ नहीं है, बट हम लोग सावन में आए थे उस टाइम यार गजब का भीड़ था पूरा, मतलब ये जब देख रहे ना पूरा जगह। मतलब आज का मौसम भी बहुत बढ़िया है यार। भाई लोग जैसे कि हम बताते कि यहाँ के बारे में रिव्यू देंगे, यहाँ क्या है कैसे है। तो भाई लोग जैसे कि यहाँ का माना जाता है कि यहाँ पे ऋषि मुनि रहते थे जिनको पुत्र नहीं था, तो वो इसी जगह कैथी में, जो चौबेपुर में एक छोटा सा गांव था कैथी, तो यहीं पे बैठ के उन्होंने तपस्या की थी। तो शिव जी ने उन्हें वरदान दिया था कि दो पुत्र के लिए, मतलब एक पुत्र होगा तो 100 साल का होगा और एक पुत्र होगा जो 12 साल में मृत्यु हो जाएगी। तो उनको ऑप्शन दिए थे कि कोई एक चुनने के लिए, तो उन्होंने 12 साल के पुत्र को चुना क्योंकि 12 साल बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो माना जाता है कि जब उसकी मृत्यु होने वाली थी तो उस टाइम वो लड़का जो था मार्कंडेय जो जिसका नाम था वो जाप किया था, तो शिव जी प्रकट उस टाइम उसको लेने यमराज आते हैं खुद। तो यमराज के पहले आए थे यमदूत लेने, तो यमदूत नहीं ले जा पाए क्योंकि शिव जी का वो तपस्या कर रहा था। तो फिर उसके बाद यमराज खुद अपने भैंस पर बैठ कर आए थे, ऐसा माना जाता है कि यहाँ यमराज खुद आए थे, बट लड़के की मृत्यु नहीं ले जा पाए क्योंकि उससे शिव जी उस टाइम प्रकट होके उस लड़के की मृत्यु को नहीं जाने दिए। तो आइए हम लोग चलते हैं आगे, और आगे का रिव्यू जैसा होगा हम यहाँ पे किसी पंडित से या किसी जो व्यक्ति यहाँ हमेशा रहते हैं हम उनसे एक बार रिव्यू आप लोग को दिला देंगे जैसा रहेगा। तो हम लोग चलते हैं आगे। देखिए इधर अभी बन रहा है घाट और बन रहा है, ये देख सकते हैं लोग इधर पूरा घाट बन रहा है, हमें लग रहा है इधर कुछ दूर तक और लाइन से घाट बनेगा। और भाई लोग यहाँ का मौसम देख सकते हैं आप लोग, कितना सुंदर मौसम है इस टाइम, और पीछे की साइड में पूरा जंगल की तरह है उस साइड में। और ये जो कहते हैं ये इधर से पूरा घाट टू घाट अपना बनारस जाएगा, ये जो घाट टू घाट घाट टू घाट, अगर यहाँ से कोई नाव से जाना चाहता है नाव से बनारस तक जा सकता है यहाँ से। तो हम लोग चलते हैं अब आगे, नहाते हैं फिर उसके बाद चलते हैं दर्शन करने, आपको दिखाएंगे।
तो भाई लोग नहा के निकल गए हैं, आइए देखते हैं, एक लोग बैठे हैं तो आइए देखते हैं, इनसे पूछते हैं यहाँ के बारे में, देखते हैं कुछ बताते हैं कि नहीं। अरे अंकल जी, यहाँ के बारे में कुछ बता देंगे? यहाँ के बारे में? हाँ, यहाँ का फेमस है, एक पुत्र की प्राप्ति के लिए फेमस है। हाँ? यहाँ पर जो भी मन्नत से जो भी आता है आदमी, हर मनोकामना पूरा होता है, कोई खाली नहीं जाता बाबा के दरबार में। जो भी मन्नत से आए हैं अवश्य पूरा होगा बाबा। विश्वनाथ जी से ढेर महत्व है, यहाँ मार्कंडे महादेव जी का महत्व है, यहाँ पर दिल्ली बम्बई गोरखपुर से लोग भी आते हैं, यहाँ पर बहुत दूर दूर से आते हैं। विश्वनाथ जी से ढेर महत्व यहाँ का है, तो काशी का जल नहीं ले जा सकते हैं गंगा जी के जल का, तो यहाँ का गंगा जी के जल का महत्व है। काशी मृत्यु के लिए बना है, लेकिन मार्कंडे महादेव जी महत्व के लिए बना हुआ है। कोई भी यात्री अगर कहीं से आता है, लोग पूजा पाठ करता है, स्नान करता है, सावन के महीने में और भीड़ लगता है, और भीड़ लगता है। ये बाबा के दरबार में जो आता है अवश्य मनोकामना पूर्ण होता है, कोई खाली नहीं जाता है। तो जैसा कि देख सकते हैं, कल ही ने बताया है यहाँ का रिव्यू किया है, तो हमने आए करके और एक लोग से पूछे थे, क्या लोग से, तो आइए हम लोग चलते हैं आगे मंदिर की तरफ। तो भाई लोग, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम अभी एक लोग से मिले जो घाट पे टीका लगाते हैं, पंडा है, तो उनसे अभी हमने पूछा है यहाँ के बारे में, तो उन्होंने बताया, रिव्यू दिया है, तो आप लोग देखे होंगे वो वीडियो। तो अभी हम लोग आगे चलते हैं मंदिर की तरफ, अगर एकाक लोग और पंडित मिल जाता तो हम आप लोग से उनका रिव्यू दिला देंगे, क्योंकि हम उतना कैलेस नहीं बता पाएंगे जितना कैलेस यहाँ के लोग बता पाएंगे जो यहाँ रहते हैं। तो हम चलते हैं अब मंदिर की तरफ, तो ब्लॉग में बने रहें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। तो भाई लोग, अभी हम लोग घाट से नहा के आ गए हैं मार्कंडे जी के गेट के पास, तो अब हम लोग चलते हैं अंदर, आप लोग को दर्शन कराते हैं और अच्छा सा व्यू दिखाते हैं, तो ब्लॉग में बने रहें। तो आइए चलते हैं हम लोग आगे। तो भाई लोग देखिए, हम लोग मंदिर के अंदर आ गए हैं, तो इधर देखिए, इधर भी एक मंदिर है, सत्यनारायण कथा स्थल है, जहाँ पे सत्यनारायण भगवान का कथा होता है। तो हम लोग चलते हैं और अंदर मंदिर के, तो ठीक सामने देख सकते हैं मार्कंडेय भगवान जी का मंदिर है, ऊपर की तरफ देखिए पूरा मंदिर है, और ये देख सकते हैं इधर पूरा यहाँ पे हवन होता है। तो हम चलते हैं मंदिर के अंदर, तो भले जो भी ये मंदिर है, तो भले जो मार्कंडे महादेव जी का मंदिर, मार्कंडे महादेव का यही है जो शंकर जी भोलेनाथ, भोलेनाथ का शिव जी नहीं किया, बाबू दर्शन कर लीजिए आराम से, फिर हम चलते हैं बाहर साइड, पहले हम चलते हैं बाहर। तो हेलो, ज़्यादा देर तक तो हम लोग अंदर नहीं रुके, बट आप लोग को अंदर का दिखा दिए व्यू, तो आप देख लीजिएगा, फिर हम आप लोग को और मंदिर के अगल बगल का पूरा जोन दिखा सकते हैं। इधर देखिए, जो लोग नारा मानने हैं, जो भी लोग मन्नत शायद पूरा करते हैं तो बांधते होंगे, तो आइए हम चलते हैं आगे की तरफ। इधर भी देखिए एक मंदिर है माँ संतोषी का, देखिए संतोषी माता का मंदिर एक इधर है, तो देख सकते हैं मंदिर भी संतोषी माता का है। इसमें भी कई मंदिर है, कई छोटे छोटे तरह के कई मंदिर है, आइए हम चलते हैं और आगे। चलते हैं आगे की तरफ, ये देखिए यहाँ पे भोलेनाथ का एक मंदिर और है, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे भी एक छोटे में भोलेनाथ जी का मंदिर है, और यहाँ पे हवन होता है, जो कि फिर टाइम आपको दिखाएं, यहाँ पे हवन होता है। तो इधर हम खादा पंडित जी से पूछ लेते हैं, अंकल यहाँ के बारे में बता सकते हैं कुछ? यहाँ सिद्धपीठ स्थान है मार्कंडेय महादेव का, यहाँ जो भी आदमी आते हैं सब मनोकामना उनका पूरा होता है,
पुत्र कामना के लिए जो है यहाँ पर हरिवंश पारायण की कथा संतान प्राप्ति के लिए होता है, है? लिखा है श्री महाभारते वन परमणे युधिष्ठिर प्रतिमार्दिय वचनम मार्कण्डेयस्य राजेन्द्र तीर्थमासा दुर्लभम गोमती गंगयो च संगमे लोक विश्वते अग्निष्टो मुआपनाथ किंच समुद्रे। हे राजेन्द्र, तीर्थ प्राप्त होना दुर्लभ है। गंगा और गोमती के संगम पर जो स्नान करता है, भगवान शिव को जलाभिषेक करता है, उसे अग्निष्टोम जग की प्राप्ति होती है तथा कुटुंब से उद्धार होता है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे अंकल जी ने बताया यहाँ के बारे में पूरा कि यहाँ किस बारे में प्रसिद्ध है, क्या है यहाँ पे। तो हम चलते हैं आप लोग आगे थोड़ा व्यू दिखाते हैं, तो इसके बाद हम लोग ब्लॉग को एंड करेंगे। तो आइए आज चलते आगे। तो इधर भी देखिए एक मंदिर है, तो ये दिखाते हैं वो मंदिर। देखिए यहाँ पर भी एक भोलेनाथ का ही मंदिर है, यहाँ पे एक शिवलिंग है। तो आप लोग देख सकते हैं अंदर गणेश जी का भी मूर्ति है, तो आप लोग देख सकते हैं। तो आइए भाई लोग हम लोग एक बार और इधर से चलते हैं, देखते हैं और एक आध मंदिर देखकर दिखाते हैं, फिर हम लोग ब्लॉग को एंड करते हैं। देखिए यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर है संकटा माता का, छोटा सा मंदिर यहाँ पे एक संकटा माता का भी बना है, और एक ये मंदिर है किस चीज का, आइए आप लोग को वो भी दिखाते हैं। पानी पूरा, तो देख सकते हैं एक मंदिर ये है, यहाँ पे नाम तो नहीं का नहीं पता नहीं किस चीज का है, तो एक मंदिर है। तो भाई लोग ब्लॉग को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो वीडियो में एंड वीडियो को शेयर करो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। तो मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट ब्लॉग में। पता तो ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले कि हम जा रहे मार्कंडेय महादेव, आप लोग को यहाँ का फुल रिव्यू देंगे, दर्शन कराएंगे। तो हमने ब्लॉग में ऐसा किया, दर्शन कराया, हम बोलते रिव्यू हम ही देंगे, बट हम उतना अच्छे से नहीं दे पाए, तो यहाँ पे किसी पंडित से आप लोग को रिव्यू दिलवा दिए। तो वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और लाइक सब्सक्राइब के लिए हम पहले बोल ही चुके हैं, तो वो कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में।